खरगोन शहर करीमनगर में संचालित हो रही बेस्ट बेकरी पर बुधवार को प्रशासनिक कार्रवाई की गई। नियम विरुद्ध संचालित हो रही बेकरी को दलबल के साथ पहुंचे अमले के विरोध का सामना भी करना पड़ा। यहाँ बड़ी संख्या में श्रमिक इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री तोड़ने से हम बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि प्रशासन ने विरोध को नज़रअंदाज करते हुए जवान लोगों को सख्ती दिखाकर खदेड़ दिया। SDM ने बताया कि रहवासी बस्ती में कारखाना संचालन में गंदगी के साथ ही वायु प्रदूषण की शिकायत मिली थी। नोटिस का जवाब नहीं देने पर अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही की गई। नगरपालिका अधिकारी प्रियंका पटेल ने बताया कि पहले भी कार्यवाही की गई थी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम क्या खाएंगे? हमारा घर तो मैंने कि किसी और की गलती का ऐसे बेकरी संचालक जिनके पास में कुछ अनुमतियां नहीं है, जैसे बिल्डिंग परमिशन हुआ, जलकर लादी वगैरह हुआ, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी कोई सर्टिफिकेशन नहीं, ऐसे जो बेकरी उनके खिलाफ आज कार्रवाई की जा रही है। कई वर्करों ने भी विरोध करा है सर, उनको रोजगार खत्म हो गया। रोजगार को लेके था सामान्यता विरोध विशेष। अभी 3 बेकरी पे कार्रवाई अभी प्रस्तावित है, 1 बेकरी पे कार्रवाई की गई है, और आगे कार्रवाई कितना एरिया हो सकता है सर? नया भी एरिया निकालेंगे पूरा जब सारी कार्रवाई हो जाएगी। जिसके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई की गई है, 2 माह पहले भी हमने कुछ पोर्शन को इसके अलग करके ने चेतावनी दी थी कि आप जो है यहाँ पे आपके और भी जो स्ट्रक्चर हैं उनकी आप परमिशन लीजिए विधिवत, और जो आपका स्ट्रक्चर है जो अनाधिकृत तरीके से बना है उसको आप अलग करिए। परंतु इनके द्वारा कोई भी उसको उसमें कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई एप्लीकेशन दी गई कि हमें इसकी बिल्डिंग परमिशन चाहिए है, ना ही इनके द्वारा जो MOS का उल्लंघन किया है, ना ही उसको पीछे किया है। यहाँ के रहवासियों की भी शिकायत थी कि यहाँ पे जो है ये पॉल्यूशन करते हैं, पानी गंदा हो रहा है, इनकी व्हीकल से डिफाइन करता है, और एयर क्वालिटी को भी लेकर यहाँ पे लोगों ने प्रश्न उठाया। तो उन सब को लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी अपना इनको नोटिस दिया है, और हमारे द्वारा भी ये अवैध निर्माण की कार्रवाई की। मजदूरों का विरोध भी देता है। मजदूरों ने अपनी बात रखी थी जिसको SDM साहब ने सुना है, और उनको आश्वासन दिया है कि अगर ये परमिशन ले लेते हैं तो इनकी बेकरी उसके पास सुचारू रूप से चल सकती। बेकरियाँ और हैं और सब पे ये करके कार्रवाई करेंगे। तो आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगी कि आपके अगर कोई भी अनाधिकृत निर्माण किया है तो उसकी परमिशन आप शीघ्र से शीघ्र। बेटे 5-6 साल हो गए, ज़्यादा साल हो गए, आज कार्रवाई की जरूरत पड़ी है। इससे पहले भी कार्रवाई कर सकते थे। इससे पहले भी कार्रवाई की थी ना, मैंने आपको बताया ना, 2 माह पहले भी हमने कार्रवाई की थी। उस समय हमने इनका थोड़ा सा MOS वाला पार्ट हुआ, तब भी इनको चेताया था कि आपको जो है इसका बिल्डिंग परमिशन लेना है, तो MOS को क्लियर करना है। BFA को कोई भी कार्रवाई की नहीं उसमें। कितना एरिया हो सकता है? 8-10 साल हो गए हैं, आज 10 साल के बाद कार्रवाई देखने। उसके बाद भी देखिए, आप ही खुद बता रहे 8-10 साल हो गए, उसके बाद भी इन्होंने जहमत नहीं उठाई कि परमिशन ले लें। कितना एरिया हो सकता है अभी हम कैलकुलेट करके बताएंगे। कार्रवाई चालू है, अभी कम्प्लीट करके फिर आपको सूचना देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।